वह चलाता शब्द भेदी बाण था, अखंड शक्ति का वह प्रमाण था, जिसे कोई रोक न पाए वो ऐसा अग्नि बाण था। इस धरा का वीर पुत्र वह पृथ्वीराज चौहान था। भारत के गौरवशाली इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णिम अक्षरों में वीरों की शौर्य गाथाएं, साहस और पराक्रम अंकित हैं। ऐसे ही एक साहसिक योद्धा और भारत को विदेशी आक्रांताओं के अत्याचार से बचाने वाले अमर सेनानी का नाम है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का जन्म सन 1149 में क्षत्रिय शासक महाराज सोमेश्वर और कर्पूरी देवी के घर में हुआ था। शौर्य और साहस तो उनके लिए ईश्वर प्रदत्त गुण थे। उनकी वीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा उन्हें बंधक बना लिया गया था और उनसे आँखों की रोशनी भी छीन ली थी, तब भी उन्होंने गौरी के दरबार में अपनी शब्द भेदी विद्या से उसे मार गिराया था। पृथ्वीराज चौहान के मित्र एवं कवि चंद्र बरदाई ने अपनी काव्य रचना पृथ्वीराज रासों में यह उल्लेख किया है। बाद में पृथ्वीराज के सहयोग से उन्होंने पिथौरगढ़ किले का निर्माण कराया था, जो वर्तमान में दिल्ली में पुराने किले के नाम से प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज चौहान जब केवल 11 साल के थे, तभी उनके पिता सोमेश्वर की एक युद्ध में मृत्यु हो गई, जिसके बाद वे अजमेर राज्य के उत्तराधिकारी बने और एक आदर्श शासक की ख्याति प्राप्त की। उनकी मां कर्पूरी देवी अपने पिता अनंगपाल की इकलौती बेटी थी, इसलिए उनके पिता ने अपने दामाद और अजमेर के शासक सोमेश्वर चौहान से पृथ्वीराज की प्रतिभा का आकलन करते हुए अपने साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा प्रकट की, जिसके तहत साल 1166 में उनके नाना अनंगपाल की मौत के बाद पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठे और कुशलतापूर्वक उन्होंने दिल्ली की भी सत्ता संभाली। शीघ्र ही वह एक वीर योद्धा एवं लोकप्रिय शासक के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल हुए। पृथ्वीराज के अद्भुत साहस और वीरता की ख्याति चारों दिशाओं में फैल रही थी। वहीं कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता ने उनकी बहादुरी और आकर्षण के किस्से सुने तो उनके हृदय में पृथ्वीराज के लिए प्रेम भावना उत्पन्न हो गई और उन्होंने गुप्त रूप से पृथ्वीराज को अपनी भावनाओं से अवगत भी करा दिया। पृथ्वीराज भी राजकुमारी को बिना देखे ही उससे प्रेम करने लगे। इसी क्रम में जब राजा जयचंद को राजकुमारी की भावना का पता चला तो उन्होंने संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर आयोजित करने का निर्णय लिया। इसी कालचक्र में राजा जयचंद ने समस्त भारत पर अपना शासन चलाने की इच्छा से अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। पृथ्वीराज नहीं चाहते थे कि जयचंद जैसे क्रूर शासक का प्रभुत्व भारत पर हो, इसलिए उन्होंने इसका घोर विरोध भी किया था। इस घटना से जयचंद के मन में दुश्मनी और घृणा का भाव पृथ्वीराज के प्रति और अधिक बढ़ गया और इसी के परिणाम स्वरूप संयोगिता के स्वयंवर के आयोजन में उन्होंने छोटे बड़े महान योद्धाओं और राजाओं को आमंत्रित किया, परंतु पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए उन्हें आमंत्रित नहीं किया और द्वारपाल के खड़े होने के स्थान पर उनकी मूर्ति लगा दी। पृथ्वीराज जयचंद के इस भाव को समझ गए और उन्होंने संयोगिता को पाने के लिए एक गुप्त योजना बनाई। स्वयंवर के दिन जैसे ही द्वार पर पृथ्वीराज की मूर्ति पर संयोगिता की नजर पड़ी, उसने वरमाला उनके गले में डाल दी। पृथ्वीराज चौहान अपनी गुप्त योजना के अनुसार द्वारपाल की प्रतिमा के पीछे खड़े थे। उन्होंने जयचंद के सामने ही संयोगिता को उठाया और वहां उपस्थित राजाओं को युद्ध के लिए ललकारा और वे अपनी राजधानी दिल्ली लौट गए। यद्यपि जयचंद ने अपनी सेना उनके पीछे भेजी, परंतु पृथ्वीराज के सैनिकों के समक्ष उन्हें परास्त होना पड़ा। ऐतिहासिक संकेतों के आधार पर इसके बाद 1189 और 1190 में जयचंद और पृथ्वीराज के बीच घोर युद्ध हुआ था, जिसमें दोनों ओर की सेनाओं को भारी क्षति उठानी पड़ी थी। दूरदर्शी शासक पृथ्वीराज चौहान की सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी, जिसमें करीब 300,000 सैनिक, 300 हाथी और बड़ी संख्या में अश्व भी थे। अपनी पराजय से निराश होकर जयचंद ने एक विदेशी आक्रांता मोहम्मद गौरी की सहायता लेने का निश्चय किया और पृथ्वीराज के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का प्रयास किया। इस षड्यंत्र से प्रेरित होकर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया और इस युद्ध को तराइन के युद्ध के नाम से इतिहास में जाना जाता है। तराइन के इस युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को न केवल परास्त किया बल्कि उसे गंभीर रूप से घायल करने में भी सफलता प्राप्त की। इस भीषण युद्ध में परास्त और घायल होकर गौरी युद्ध छोड़ भागने के लिए विवश हो गया। पृथ्वीराज ने 16 बार मोहम्मद गौरी को परास्त किया और हर बार उसे जीवित छोड़ दिया। बार बार की हार और अपमान से गौरी का मन प्रतिशोध से भर गया और उसे अपने 17वें आक्रमण में गद्दार राजा जयचंद का भी साथ मिल गया। छल से पृथ्वीराज का विश्वास जीतने के लिए जयचंद ने अपना सैन्य बल पृथ्वीराज को सौंप दिया, परंतु उन सैनिकों ने पूर्व नियोजित षड्यंत्रवश युद्ध में पृथ्वीराज के सैनिकों का ही वध करना प्रारंभ कर दिया। इस युद्ध के परिणाम न केवल पृथ्वीराज के लिए बल्कि देश के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुए। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज और चंद बरदाई को बंधक बना लिया। अपने प्रतिशोध का बदला लेने के लिए गौरी ने पृथ्वीराज को अनेक शारीरिक यातनाएं दी और गर्म सलाखों से उनकी आंखें भी निकाल दी और उन्हें मृत्युदंड देने का निश्चय किया।
चंद बरदाई ने गौरी को पृथ्वीराज की शब्द भेदी बाण चलाने की क्षमता से अवगत कराया और दरबार में एक प्रतियोगिता उत्सव आयोजित करवाने में सफलता प्राप्त की। इस प्रतियोगिता में शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण पृथ्वीराज ने चंद बरदाई के दोहे के माध्यम से दूरी और दिशा को समझते हुए बाण चलाया और भरे दरबार में गौरी को मार दिया। इसके बाद चंद बरदाई और पृथ्वीराज ने अपनी पूर्व योजना के अनुसार एक दूसरे पर प्रहार कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। चंद बरदाई की वह प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं, चार बांस 24 गज अंगुली अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। इस आदर्श शासक ने जीवन के अंतिम पल तक प्रजा और राज्य का रक्षण किया और विदेशी आक्रांता से पवन जन्मभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे महान योद्धा, आदर्श शासक और मातृभूमि की बलिवेदी पर प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सेनानी को भारत समन्वय परिवार की ओर से शत शत नमन। हमारा प्रयास और संकल्प है कि भारत भूमि के इन सपूतों के अमर बलिदान से भारत की युवा पीढ़ी प्रेरणा प्राप्त करे और उनकी स्मृति को अमरता प्राप्त हो।